नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन की क्षण। अपनी सफलता को ऐतिहासिक स्त्री पुरुष के कार्यों से तुलना करने नम्रता सीखो। ऊंट तभी तक अपनों को ऊंचा समझता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता। अपने से बड़े प्रसिद्ध पुरुष से मिलते जुलते रहते का उपयोग करो। इस प्रकार की मित्रता आपको अत्यंत प्रभावपूर्ण नम्रता की शिक्षा देगी। आपके शरीर की रचयिता कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं अपने शरीर के रचयिता है। आपके भाग्य का रचयिता कोई दूसरा नहीं है, अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं है। विधाता के वचन में जो शक्ति है वही आपके वचन में ही है। विश्वास के साथ जो कहिएगा अवश्य पूरा होगा। जो वस्तुतः जितनी ही उत्तम है वह उनके ही कठिन प्रयास से मिलती है, जिनमें दृढ़ता, साहस, मोड़स, पराक्रम, लगन और परिश्रमशीलता है, वही उसका सफलता के लिए अधिकारी होते हैं। साधना से सिद्धि मिलती है। जो लोग एकाग्र पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, वही विजयी श्री को प्राप्त करते हैं। किसी बुरे अथवा बुरे काम के संबंध में पश्चाताप करना उत्तम है, लेकिन यह तारक होना चाहिए। भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प करके सदैव उसके बचने रहने का प्रयत्न करना। ऐसे वातावरण में संग स्वार्थ एवं साधनों से दूर रहना जो बुराई की ओर प्रवृत्त करे, इसके मिले आवश्यक होता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आत्मचिंतन की क्षण। मेरे बच्चों, आज मैं तुमने एक बहुत बड़ा संदेश देने खड़ा हुआ हूँ, और वह यह है कि तुम कभी किसी अनिति एवं अविवेक युक्त मान्यताओं या परंपराओं का अपनाने की बौद्धिक पराधीनता को स्वीकार न करना संभव है। इस संघर्ष में तुम अकेले पड़ जाओ। तुम्हें साथ देने वाले लोग अपने हाथ ले पर तो भी तुम सांस न हारना। तुम्हारे दो हाथ वो हाथ से बराबर है। उन्हें तान कर खड़े हो जाओ तो बहुमत द्वारा समर्पित होते हुए भी कोई मुड़ता तुम्हें झुकने के लिए विवेश न कर सकेगी। जब तक तुम्हारी देह में प्राण शेष रहे, सत्य के समर्थ और विवेक के अनुमोदन का तुम्हारा स्वाभिमान न गले, यही अंत में तुम्हारे गौरव का आधार बनेगा। बच्चे, जब तक तुम्हारे हृदय में उत्साह एवं गुरु तथा ईश्वर के में विश्वास, ये तीनों वस्तु तो रहेगी, तब तक तुम्हें कोई भी दबा नहीं सकता। मैं दिनों दिन अपने हृदय में शक्ति के विकास का अनुभव कर रहा हूँ। ये साहसिक बालको कार्य करते रहो। इस दानशील देश में हमें पहले प्रकार के दान के लिए अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए साहस पूर्वक अग्रसर होना होगा, और यह ज्ञान विस्तार भारत की सीमा में यही आबद्ध नहीं रहेगा। इसका विस्तार तो सारे संसार में रहना होगा, और अभी तक यही होता भी यहाँ है जो कोई कहने है कि भारत के विचार कभी भारत के बाहर नहीं गए। जो सोचते हैं कि मैं ही पहला सन्यासी हूँ जो भारत के बाहर धर्म प्रचार करने गया, वे अपने देश के इतिहास को नहीं जानते। यह कई बार घटित हो चुका है। जब कभी भी संसार को उसकी आवश्यकता हुई, इस समय उस निरंतर बहने वाले आध्यात्मिक नाम स्रोत ने संसार को प्लावित कर दिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।